आखिरी दिन कहते हैं, राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं दे सकता आपको। दिन कहते हैं, राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं दे सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, तो धर्मेश जी भी बैठे हुए, रणदीप, सब बैठे हुए, पेशेंटली बैठे हुए, प्यार से बैठे हुए। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है और इसी से हमें स्ट्रेंथ आती है, इसी से हम लड़ते हैं। उधर पेशेंस की कोई जरूरत नहीं, उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा।